तो राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब। तो वापस से आ चुके हैं कि न्यू वीडियो में। और भाई लोग, मैं आप लोग को इस वाले वीडियो में ऐसे क्लिप दिखाने वाला जिसमें कई सारे गेम में तो बुया लिया हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी गेम है जिसमें मैं बुया नहीं निकाल पाया हूँ, और मैं उसमें क्या क्या गलती किया कि जिसके वजह से मेरा बुया नहीं हो पाया। तो चलो यार, मैं आप लोग को अब गेम प्ले की तरफ ले जाता हूँ। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर डंका सुपर। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट मैच है, और इस वाले मैच में दो बंदे ही अलाइव है और मैंने 4 किल कर लिया। यहाँ पर मैं पेटी लूट रहा हूँ, मेरे पास तो यहाँ पे काफी सारा ग्रेनेड हो चुका है, 14 ग्रेनेड भाई। यहाँ पर कोई बंदा जो है भाई स्कैन कर रहा है, क्लू का यूज कर रहा है। मेरे को लग रहा है नीचे के साइड में बंदा है, और एक बंदा देखो ऊपर के साइड में, तो ऊपर वाले बंदे को मारेंगे। ये रहा, चलो इसको तो यहाँ पर मैंने काफी गंदा डैमेज कर लिया, अब सीधा ही रश करके मारेंगे। लेकिन नीचे का साइड चेक कर लेते हैं कि नीचे वाला बंदा तो ऊपर नहीं आ रहा है, तो शायद लग रहा है नहीं आ रहा है। ओके, तो अब चलो ऊपर वाले बंदे को यहाँ पर फिनिश करते हैं। मेरे पास 14 ग्रेनेड है, तो मैं इसको ग्रेनेड डाल के मारने का ट्राई करूंगा। चलो यार, इस वाले बंदे को तो यहाँ पर मैंने ग्रेनेड से ही मार दिया। अब लास्ट वाला बंदा ही बचा है, और ये देखो ड्रॉप के साइड जा रहा है। इस वाले बंदे को भी मैं ग्रेनेड से मारने का ट्राई करूंगा। चलो एक ग्रेनेड डाल दिया, और यहाँ पर डैमेज तो आया है, लेकिन बंदा यहाँ से भाग गया है और इस साइड पर आया। तो मैं एक ग्लोबल डाल के सामने जाकर ग्रेनेड डाल के मारने का ट्राई करूंगा। चलो यार, फाइनली इस वाले बंदे को भी मैंने ग्रेनेड से उड़ा दिया, और हमारा ओपी तरीके से बुया हो चुका है। अब देखो यार, मैं आप लोग को जो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ उसमें मैंने बुया मिस किया है, तो आप लोग बताना कि भाई मैंने उसमें क्या गलती किया है जिसके वजह से मेरा बुया जो है मिस हो गया। ओके, तो इस टाइम पर देखा है तो यार 3 ही बंदे अलाइव है, और मेरे पास स्कैनर था तो मैंने स्कैनर छोड़ा। अब यहाँ पर ग्रेनेड डाल रहा हूँ इस वाले बंदे को मारने के लिए, और नीचे वाला बंदा भी सपोर्ट कर रहा है इसको मारने के लिए, तो भाई इसको आराम से फिनिश कर सकते हैं। ये बंदा तो मेरे साइड ही आ रहा है, और मेरा नेट जो है भाई स्लो हो रहा है, मतलब इस वाले गेम में मेरा नेट जो है 1 सेकंड लेट काम कर रहा है। तो यार, आप लोग को डैमेज का ग्लिच देखने को मिलेगा, मतलब कि मैं बंदे को मारूंगा तो भाई कुछ डैमेज काउंट होगा, कुछ डैमेज काउंट नहीं होगा। ओके चलो, सामने बंदे को तो यार मैं काफी तगड़ा स्प्रे कर रहा हूँ, लेकिन ये मर क्यों नहीं रहा है भाई। नीचे वाला बंदा शायद इसको नहीं मार रहा है, ये बंदा जो है मेरे साइड ही आ रहा है। चलो मैं इस साइड पे आकर ग्लूवल लगा लिया, और शायद अगर नीचे वाला बंदा जो है स्प्रे तो कर रहा है, और बंदा यहाँ से भाग रहा है देखो। तो एक ग्लूवल ये लगा लेते हैं, और इसमें शायद अगर बंदा इस साइड पे है, तो चलो ग्रेनेड डालते हैं। इस बंदे को तो यहाँ पर काफी तगड़ा डैमेज दे रहा हूँ यार, लेकिन ये जल्दी जल्दी रिकवर हुआ, तो इसके वजह से भाई मर नहीं रहा है। पता नहीं यार कौन सा क्रिएटर कॉम्बिनेशन लगा के इतना जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा है। और नीचे वाला बंदा भाई शांत हो जाता है ना, मारता ही नहीं मैं इसको मारता हूँ। तो अगर नीचे वाला बंदा भी इस वाले बंदे को मारता तो यार मारने में आसानी होता, लेकिन वो तो मार ही नहीं रहे यार। चलो इसमें मैं ग्लूवल ब्रेक करने वाला तोड़ दिया हूँ, और शायद लग रहा है बंदा मेरे साइड ही आ रहा है। ये क्या था भाई, तस्वा की यूज किया और एकदम से 2 कट्टा मारा, मेरे को क्या तगड़ा डैमेज कर दिया भाई। लो भाई, नीचे वाला बंदा रस के, तो उसको भी यहाँ पे मार दिया। चलो मेडी मार लेते हैं, लेकिन ये क्या था भाई, पीछे से बंदा कैसे आ गया। हट यार, अब आप लोग यहाँ पर मेरे को बताना कि भाई मैंने क्या गलती की जिसके वजह से ये वाला मैच मेरे हाथ से चला गया, और ये बंदा मेरे को इजी फिनिश कर दिया। लेकिन इस वाले बंदे का मूवमेंट देख के यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर दूं कि ये बंदा जो है हाई डीपीआई में खेल रहा है, फिर एकदम हाई डिवाइस में, और मेरा डिवाइस जो है भाई लेग करता है, मतलब कहीं गोंद में कूद गए ना भाई वैसा ही काम करता है, चपचपा जैसा, और पीछे तो भाई मुड़ता ही नहीं, लेकिन आज ही घंटा मार पाता है मेरे को, इसको मैं ही पेल देता यार। अगर अच्छा डिवाइस चला तो भाई मारते मारते स्क्रीन को ऐसा घुमाता ना पिछवाड़े में कि एकदम हवा में उड़ जाता बंदा, मतलब फायर करते हुए पीछे स्क्रीन को ले जाऊं तो भाई मेरा स्क्रीन घूमेगा ही नहीं। ओके, तो चलो एक बंदा सामने से आ रहा था, भाई इसको मैंने मोस्टर से उड़ाया, तो एकदम से फिनिश हो गया भैया। अब यार यहाँ पर लास्ट ही बंदा बचा, और पिलर के नीचे छुप के बैठा है, मेरा गाड़ी तो फूट गया, इसको उतर के मारेंगे। चलो यहाँ पर बंदे का जो है सोनू एक्टिवेट हो चुका है, ये डाउन भी हो चुका है, तो अपने आप ग्लूवल से पैक किया, और मेरे पास ये लॉन्चर है, तो इसमें बंदे को मारेंगे। चलो भाई काफी तगड़ा डैमेज है, इसको तो मर जाना चाहिए यार, लेकिन ये मर नहीं रहा है। चलो फिर से डाउन हो गया, और इस बार भाई लॉन्चर गन से डाउन हुआ है, तो इसको कट्टा से 2-1 गोली मारा हेड पे, और बंदा जो है फिनिश हो चुका है, और हमारा जो है इजी तरीके से बुया हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक बात बोलूँ तो यार, मैं आपको 2 प्रकार गेम प्ले दिखा रहा हूँ, एक बुया वाला और एक अनबुया वाला। तो यार आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं बुया वाले गेम में किस प्रकार से खेला कि मैच को विन करके गया, और बुया नहीं ले पाया उस वाले मैच में मैंने क्या गलती किया आपको समझना है। ओके, तो इस वाले गेम में देखा है तो यार 5 बंदे ही लाइव है, एक बंदा मेरे साइड आ रहा था, लेकिन पीछे ने इसका पिछवाड़ा मार के उसका सोनू एक्टिवेट कर दिया, तो मैं यहाँ पे उसके उस वाले बंदे को मार सकता हूँ। तो देखा जाए तो भाई दिमित्री से रिवाइव भी हो चुका है, चलो इसको गाड़ी छुड़ाए, लेकिन मेरा किल नहीं आया।
M10 में 3 चिप लगने के बाद भी भाई इतना ज़्यादा रिकॉल कर रहा है कि मैं आप लोग क्या बताऊं। और रिकॉल करने का एक ही रीज़न यार कि मेरा जो डिवाइस जो थोड़ा लेग करता है, मतलब चपचपा जैसे चलता है, एकदम गोंद में जैसे कूद गया वैसा, जिसके वजह से यार मेरा एक्यूरेसी जो है एकदम परफेक्ट नहीं लगता, मतलब हायर वाला एम जो है बड़ा हो जाता है और एकदम से रिकवर करता है। ओके, तो इस टाइम पर देखा है बंदा जो है मेरे पे FGL चला दिया और ग्लूगल टूट रहा है और मेरे को डैमेज मिल रहा है, पर यहाँ से मेरे को निकलना पड़ेगा। चलो ग्लूगल फूट चुका है, इसको फिर से यहाँ पे आया तो मारेंगे, लेकिन एम भाई मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, इस साइड से जाते हैं, शायद बंदा इस साइड से आ रहा होगा। ये रहा, इस वाले बंदे के पास यहाँ पर तस्सू है, तुरंत यूज करके ऊपर साइड आ गया है। और चलो यहाँ पर मेडी मार लेते हैं, बंदा तो मेरे राइट साइड पे बैठा है, आप देखते हैं भाई यहाँ पे क्या सीन होता है। मेडी तो मेरे पास है नहीं सुपर वाला, तो छोटा ही मेडिकेट मार काम चलाना पड़ेगा। बंदा मेरे साइड आ रहा है यार, सच में यार यहाँ पर मेरा फर्स्ट जो गोली कनेक्ट हो रहा है, दूसरा तीसरा गोली जाकर कनेक्ट हो रहा है, तो क्या बताऊँ भाई। ये क्या था भाई, बंदा मेरे पैर पे स्प्रे किया और सीधा हेडशॉट। एक बात तो है यार, ये जब से दो नाली वाला कट्टा गेम में आया तब से भाई बंदे जो है अपने आप को भगवान समझ के रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, कट्टा जो है कुछ दिन का ही मेहमान बचा है, उसके बाद भाई बंदे जैसे मरेंगे ना एकदम कुत्ते के जैसे, आप देखते रहना। दो कट्टा भागने के बाद इनको मैं बताऊंगा यार कि मैं कौन खेत का मूली हूं, बस दो कट्टा भागने दो। इतना आक्रोश में ना आओ, थोड़ा कंट्रोल करो। ओके, तो इस वाले बंदे को तो यहाँ पर मैंने काफ़ी तगड़ा स्प्रे किया, लेकिन गाड़ी चल रहा है तो भाई मैं इस पर रिस्क नहीं लूँगा रस करने का। चलो मोस्टर ट्रक मेरे को दिखा तो मैं मोस्टर ट्रक पकड़ लिया। अब यहाँ पे एक बंदा है लेकिन इसको नहीं उड़ा पाऊंगा, नीचे एक साइड बंदा, चलो इसको उड़ाया। ये वाला बंदा तो यार बहुत ही डैमेज है, एक दो गोली का बचा है, लेकिन इसको उतर के फिनिश नहीं कर पाऊंगा। और शायद कोई बंदा इसको मार दिया तो ऊपर वाले बंदे को मारेंगे, लेकिन अरे ये वाला बंदा भी यहाँ पर बच गया, तो इसको गाड़ी रिटर्न करके मार सकते हैं क्या। बट यहाँ से रिटर्न करूँगा तो नहीं मार पाऊँगा, थोड़ा सा घुमा के आता हूँ। और बंदा देखो इसी साइड आ रहा है, तो इसको उड़ाएंगे। चलो इसको उड़ा दियो, ये वाला बंदा भी बहुत ही कम HP का बचा है, लेकिन यहाँ पर मैं गलती क्या कर रहा हूँ मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक बंदा नीचे है, चलो इसको उड़ाएंगे। इस वाले बंदे को भी यहाँ पर मैंने गाड़ी से उड़ा दिया, लेकिन एक दो गोली का बचा है, तो मैं इस पर रिटर्न कर गाड़ी को चढ़ाऊंगा। चलो चढ़ाते हैं, बट फिर से बच गया यार, और बंदा जो है मेरे गाड़ी पे यहाँ पर बैठ चुका है। अब यहाँ पर देखा है तो यार दोनों बंदे जो है मेरे गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो मेरे पास एक आइडिया आ रहा है कि ऊपर साइड में जाके भाई गाड़ी को तेज करके नीचे के साइड छोड़ दूँ और मैं गाड़ी से उतर जाऊँ, तो ऐसा ही करने वाला हूँ इस टाइम पे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती है उसको मैं इसी टाइम पे कर रहा हूँ, हट यार भाई। यहाँ पर दोनों बंदे उतर गए और मेरे को कट्टा से एकदम से हेडशॉट लग गया और मैं डाउन हो चुका हूँ, लेकिन मेरे पास सुई है तो मैं शायद यहाँ पर रिवाइव हो जाऊंगा। और चलो भाई रिवाइव हो चुका हूँ, ग्लूबल से पैक करते हैं। बट यहाँ पर स्कैलर चला दिया, मेरे को यहाँ से भगना पड़ेगा। चलो यार ग्लूबल से पैक करते हैं, और देखा है तो भाई मैं दोबारा से बच चुका हूँ, एक बंदा ऊपर के साइड में, लेकिन ये बंदा जो है भाई FGL चला दिया और मेरा ग्लूबल तोड़ रहा है, नीचे से बंदा ग्रेनेड डाल रहा है, तो मेरे को भागना पड़ेगा यार। यहाँ पर देखा है तो मेरे पास एक भी ग्लूबल नहीं है, नीचे वाले बंदे पर मैं डायरेक्ट रश करूंगा। ओके, तो यहाँ पर दोनों बंदों का फाइट हो चुका है, तो मेरे को मेडिकेट मारना चाहिए, लेकिन जोन भी श्रिंक हो रहा है, तो मेरे को ऊपर के साइड जाके मेडिकेट मारना चाहिए। चलो मेडी मारते हैं, हट यार यहाँ पर मैं एलिमिनेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई मैंने इस वाले मैच में क्या गलती किया, क्या बड़ा वाला गलती किया कि भाई मैच जो है मेरे हाथ से चला गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम दूसरे गेम प्ले में चलते हैं। तो इस वाले गेम में देखा है तो यार तीन बंदे हैं लाइव है मेरे करके, और मैं दो किल किया हूं, और जोन जो है एकदम लास्ट सर्कल में एंड में होने वाला है, मतलब यार लास्ट जोन बचा हुआ भी श्रिंक होने वाला है, और बंदे नीचे के साइड ही है। एक बंदा देखो इस साइड पे दिखाई दे रहा है, नीचे वाले बंदे को क्या यहाँ पर मैं मार सकता हूँ, लेकिन ये तो घर के अंदर चला गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास मेडी 2 से 3 है, और जोन भी एकदम श्रिंक हो रहा है, तो मेरे को सेंटर पकड़ना चाहिए, लेकिन अरे यहाँ पर एक बंदा जो है ऊपर आ चुका है। चलो इसको मैंने 2 गोली कट गया, इसने मेरे को 2 गोली कट गया, शायद इसके पास जो कट्टा है ऊपर वाला है, इसीलिए तगड़ा डैमेज कर दिया मेरे को। लेकिन अरे यहाँ पर देखा है तो काफी खतरनाक सिचुएशन बन चुका है, मैंने मेडिकेट तो कर लिया, अब कोई बंदा ग्लूबल ब्रेक करने वाला भाई ग्रेनेड डाल दिया, और शायद लग रहा है ऊपर से बंदा था वो नीचे चला गया, और दोनों बंदे यहाँ पर नीचे फाइट कर रहे हैं, तो मेरे को थर्ड पार्टी करना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों को फाइट होने दो। चलो शायद एक बंदा डाउन हो चुका है, और भाई देखा जाए तो इस वाले मैच को मैं काफी शानदार तरीके से, सुंदर तरीके से खेला, लास्ट जोन में लास्ट वाले बंदे को खतरनाक तरीके से जंप करके मारा, और एकदम मैच कॉपी तरीके से बुआ किया। तो इसी बात में एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। ओके, तो इस टाइम पर देखा जाए तो यार लास्ट बंदा बचा है, मतलब 1v1 का सिचुएशन है। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारा भाई जो है 1v1 किंग है भाई, कोई भी बंदा 1v1 नहीं हरा सकता। लेकिन यार इस वाले बंदे को देखने के बाद मेरे को मेरे गेम प्ले में बहुत ज्यादा शक है कि यार मैं इस वाले बंदे से 1v1 फाइट कर पाऊंगा, क्या मैं इस वाले बंदे को टपका पाऊंगा, इस वाले बंदे से मैं खुद टपक जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं इस वाले बंदे को मार दूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई इस वाले बंदे से थोड़ा मैं होल्ड फाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा भाई खुले माने का नाम ही नहीं ले रहा है, एकदम कवरिंग फायर कर रहा है, तुरंत ही ग्लूबल मार रहा है। और यहाँ पर देखो बंदा मेरे पर रश कर रहा है, तो मैं इस पर डायरेक्ट रश करके इसको मारूंगा। चलो प्रोनो एक्टिवेट, इस वाले बंदे को यहाँ पर खतरनाक हेड लगा है, तो मैं इस साइड से इस वाले बंदे को मार सकता हूँ।
साले तेरी भैंस की टांग दो नाली, कब जाएगा गेम से बे। अब यार यहाँ पर आप लोग मेरे को बताना कि मैं इस वाले मैच में क्या गलती किया कि इस वाले बंदे को नहीं मार पाया रे। तो चलो यार इस वीडियो में यही तक था, और हाँ अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा तो दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, राधे राधे।